सॉरी सॉरी। सो दिस इज एपिसोड 3 ऑफ आवर इजी मनी मेकिंग सीरीज इन जीडीए ऑनलाइन। और अगर तुमने अभी तक एपिसोड 1 और 2 को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाकर के देखो, क्योंकि मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट वहाँ पर से जाकर के देखो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जीटीए ऑनलाइन में अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेस हैं, पर मैं जो तुम्हें बताता हूँ वो सबसे ईजी है, मतलब सबसे ईजी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें इस तरह की वीडियो मिलती रहे और तुम जीटीए ऑनलाइन में पैसे को छापते रहो। आज मैं जो तुम्हें बिजनेस बताने जा रहा हूँ उसका नाम है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। रियल लाइफ में भी तुमने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में सुना ही होगा, मतलब कि सामान को यहाँ से लाना या फिर दूसरी जगह पे पहुँचाना। तो जीटीए ऑनलाइन में हम करने वाले हैं कार्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे इससे ईजिली कमा सकते हो बहुत सारे पैसे। तो चलो इसी के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। दिस इज़ योर होस्ट एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल द स्ट्रक। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए जो तुम्हारे पास मेन चीज़ होनी चाहिए वो है मेज बैंक। अब अगर तुमने प्रीमियम एडिशन खरीदी है तो तुम्हारे पास मेज बैंक पहले से ही होगी। अगर नहीं है तुम्हारे पास प्रीमियम एडिशन, तो तुम्हें कुछ साइड मिशन और हाइस्ट करके तुम्हें मेज बैंक खरीद लेना है, तो तुम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अब मान लेते हैं तुमने मेज बैंक प्रॉपर्टी बाय कर ली है, अब तुम गए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पर ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हें अच्छी कार ही मिले। अगर मान लो तुम्हें मिड रेंज की कार मिलती है तो उसका मार्केट वैल्यू टोटल अराउंड होता है 5 लाख का, जिसका कि तुम्हें कमीशन मिलेगा 15,000। तो अगर तुम उसे अच्छे सेलर को बेचते हो तो तुम्हारा कमीशन अराउंड 40,000 के आसपास हो जाएगा। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, अगर तुम्हारे पास टॉप रेंज की या फिर अच्छी कार नहीं आती है तो तुम एक अदर सेशन को ज्वाइन कर लो और फिर से जा करके सेम प्रोसेस करो जो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा, तो तुम्हारी कार चेंज हो जाएगी। और जब तुम्हारे पास टॉप रेंज की कार आ जाए तब तुम उस मिशन को स्टार्ट कर दो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इस मिशन को करने के लिए तुम्हें चाहिए होगी मेज बैंक प्रॉपर्टी। अब तुमने वो खरीद ली, अब तुम्हें अपनी मेज बैंक प्रॉपर्टी में चले जानी है। अब चले जाने के बाद तुम्हारे पास कंप्यूटर होगी तो तुम्हें उस पर चले जानी है। अब अगर तुमने अभी भी मेज बैंक खरीदा है तो तुम्हें कुछ कट सिंक दिखाए जाएंगे, उसे देख लो, उसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लो। अब तुम्हें अपने कंप्यूटर के पास चले जाना है और हर बार की तरह इस बार भी CO रजिस्टर कर देना है। अब CO रजिस्टर करने के बाद अपने कंप्यूटर पे तुम्हें चले जाना है, कंप्यूटर ओपन करो, एक्सेस करो। अब तुम्हें वहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा कार्गो का, और दूसरा दिख रहा होगा व्हीकल, और तीसरा होगा स्पेशल व्हीकल। अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं जो तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ वो है व्हीकल कार्गो। अब व्हीकल कार्गो का मिशन स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक चीज़ और चाहिए होगी, जो है वेयर हाउस, जहाँ पर तुम चोरी किए हुए कार को रखोगे। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसके बगैर भी तुम मिशन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तुम्हें खरीदनी ही होगी। अब दिक्कत ये है कि तुम ये खरीदोगे कैसे, तो मैंने तुम्हें मैप में दिखा दिया है। तुम्हें इसी तरह से लाल करके डॉट आएगा सभी जगह पे, जहाँ जहाँ पे लाल लाल आ रहा है मतलब वो सारे जो है वेयर हाउस हैं। अब तुम उनमें से सभी की प्राइस देख लो और तुम्हें जो भी ठीक लग रहा है तुम उसमें से कोई भी खरीद लो। अब देखो, अब जब तुमने व्हीकल की वेयर हाउस भी खरीद ली, अब तुम्हें बस जो सिंपल चीज़ करनी है वह है सोर्स व्हीकल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही तुम सोर्स व्हीकल पर क्लिक करोगे तुम्हारा मिशन हो जाएगा स्टार्ट। तुम्हें एक कन्फर्मेशन के लिए एक अलर्ट आएगा, तुम्हें बस कन्फर्म कर देना और तुम्हारा मिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन होगा कि क्यों मैंने थंबनेल में पब्लिक सेशन को प्रॉफिट में दिखाया और सोलो सेशन को लॉस में दिखाया। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब तुम पब्लिक सेशन में खेलोगे तब तुम सोच रहे हो कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बंदे होते हैं जो कि तुम्हारी कार को ब्लास्ट कर देंगे, तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें डिलीवर नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा। तो सोलो सेशन में इससे भी ज़्यादा बुरा आ सकता है, तो मैं तुम्हें ये आगे बताता हूँ कि क्या हो सकता है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखो। तो एक बात और सुन लो, अगर तुम पब्लिक सेशन में खेलते हो अगर वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं तो तुम्हें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जितने ज़्यादा बंदे उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो इसकी वजह से भी पब्लिक सेशन में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं कम बंदे हो तो भी तुम कर सकते हो इजीली, बस तुम अलग अलग सेशन ज्वाइन करके देख लो जिसमें कम बंदे हो, और जो अच्छे बंदे हो जो तुम्हें परेशान नहीं करें उस टाइप के सेशन में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ जा करके तुम आराम से डिलीवर करो, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं लगेगा। अब तुम जैसे ही अपने मेज बैंक से बाहर निकलोगे तुम्हें तुम्हारी असिस्टेंट का कॉल आएगा जो कि तुम्हें बता रही होगी कि तुम्हारा कार का लोकेशन कहाँ पे है। वो कहीं पर भी हो सकता है, वो या तो रोड पे हो सकता है या फिर मैप के एकदम लास्ट में भी हो सकता है या फिर ओशियन में भी हो सकता है। तो तुम्हें ये सब अच्छा से देख लेना है। वो या तो ड्राइव भी हो सकती है या फिर कहीं पर खड़ी हो सकती है, सीप में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो तुम्हें उसका लोकेशन अच्छा से देख लेना है, उसे मार्क कर लेना है। तो चलो हम अपनी कार को जल्दी से लेकर के आते हैं पहले और तुम्हें मैं आगे बताता हूँ। Oh.
तो अब चलो मान लेते हैं कि तुम अपनी कार के पास आ चुके हो, और अगर तुम स्पायरो से आओगे तो ऑब्वियसली बात है लोग स्पायरो देख करके डर जाते हैं जीटीए के, क्योंकि एन पी सी वहाँ के बेकार हैं। तो उसको छोड़ो, अगर तुम स्पायरो लेकर के आओगे तो वो डर जाएगा, इसके वजह से तुम्हारा कार डैमेज हो सकता है। तो ये गलती नहीं करना जो मैंने किया है। तुम उसके आगे जा कर के बस स्पायरो को अच्छे से रोक दो और वो अपने आप ही गाड़ी रोक देगा, और तुम उसके पास जाओ आराम से, गाड़ी का लॉक तुम खोल सकते हो बिना कार को डैमेज किए। उसकी कार लो और वहाँ पर से निकलो, अपने वेयर हाउस तक चले जाओ और वेयर हाउस में जा करके तुम सेव कर लो अपने कार का। ध्यान रखना वो डैमेज ना हो। अब मिलता हूँ तुम्हें मैं अपने सीधे वेयर हाउस में, तब तक तुम वीडियो पे बने रहो। कार कर दिए यहाँ पे डिलीवर। अब तुम जैसे ही यहाँ पे कार अपनी डिलीवर कर देते हो, बस तुम्हें अपने वेयर हाउस के अंदर घुसाना है। अब वेयर हाउस के अंदर घुसने के बाद इस जगह पे तुम्हें अपनी सारी कारें दिख जाएगी जो भी तुमने चुरा करके रखी होगी। अब मेन चीज़ जो तुम्हें करनी है वो चले जाना है तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में, जो कि यहाँ पर है। अब तुम यहाँ जा करके अपने फिर से लैपटॉप को एक्सेस करो, मतलब कंप्यूटर को, और फिर एक्सेस करने के बाद तुम्हें सारी कार्स दिख जाएंगे जो जो तुमने चुराए होंगे। अब तुम्हें जो भी बेचना है तुम उस पर क्लिक करो, तुम्हें वहाँ पर सारा प्राइस दिख जाएगा, बेस्ट सेलर का भी और जो कम से कम प्राइस होगा और जो हाईएस्ट प्राइस तक तुम बेच सकते हो, सारे प्राइस वहाँ पर दिख जाएंगे। अब मैंने जिस कार को अभी भी चुराया मैं तुम्हें वही बेच करके दिखाने वाला हूँ। अब बस इसे बेचने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है, तुम्हें बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद फिर तुम्हें बायर चूज़ करना है। अब उससे बात है तुम हाई बायर ही चूज़ करोगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसे देता है। अब तुम यहाँ पर एक से ज़्यादा कार भी एक साथ बेच सकते हो, पर उसके लिए तुम्हारे अंदर काम करने के लिए कुछ बंदे चाहिए होंगे जो कि वेयर हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए। अब तुम्हारे वेयर हाउस में जितने ज़्यादा बंदे होंगे तुम उतना ज़्यादा कार एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम तुम चार ही कर सकते हो। तो अभी तुम्हें बस एक्सपोर्ट के लिए तुम्हें अपनी व्हीकल चूज़ करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, फिर बायर चूज़ करके ओके कर देना है, और उसके बाद फिर अपनी व्हीकल को मॉडिफाई कर देना है, ट्रैकर हटा देना है, प्लेट चेंज कर देना है, कलर चेंज कर देना है, व्हील चेंज कर देना है, बस हो गया। अब तुम्हारा कार एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। अब तुम्हें मैप में डेस्टिनेशन दिख जाएगा कि तुम्हें कहां पर कार को डिलीवर करना है। अब तुम्हें तुम्हारी असिस्टेंट का कॉल आ गया है और तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कहां पर इसे डिलीवर करना है, पर सोलो सेशन में अभी स्टार्ट होता है कि तुम्हें क्यों लॉस होने वाला है। लाने में गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम सोलो सेशन में आराम से गाड़ी को ला सकते हो बिना किसी दिक्कत के, तुम्हें इसके लिए पब्लिक सेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहां पर से हो जाता है हमारा मेन मिशन स्टार्ट। अब इसके आगे मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कुछ, तुम खुद देखो सोलो सेशन में क्या होता है। म्याओ म्याओ निगो। हे प्रभु। अब मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें सोलो सेशन में क्यों लॉस है। अब अगर तुम्हें अभी भी नहीं आया समझ में तो मैं बताता हूँ। पहले तो तुम्हारे पीछे कुछ गाड़ियाँ पड़ जाएगी जो कि तुम्हारे ऊपर गोली चला रहे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत सारा नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ जो होगी, NPC बहुत ही ज़्यादा बेकार सा बिहेव करने लगेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे बीच में आ जाएंगे, कहीं पर से भी टर्न लेने लगेंगे और तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे पूरा, और तुम्हारी कार बहुत ही गंदी तरह से डैमेज हो जाएगी और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कम कमीशन मिलेगा। तो इसी की वजह से सोलो सेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पब्लिक सेशन क्यों अच्छा है। हाँ, उसमें भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर्स होते हैं जो कि तुम्हें इस तरह आकर के डिस्टर्ब करेंगे, और उसका सोल्यूशन मैं बता चुका हूँ। तो हर बार की तरह इस बार भी मैंने मिशन को नॉर्मली स्टार्ट कर दिया, पर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया उसके बाद फिर कुछ दूर जाने के बाद एक ऑपरेशन लेकर के बंदा आता है जिसने मेरे पे मिसाइल चलाई। तो पहली वाली मिसाइल से तो मैं बच गया, पर दूसरी वाली मिसाइल से उसने मेरा कार को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अगर तुम्हारी कार डिस्ट्रॉय हो जाती है फिर तुम मिशन को आधे में छोड़ देते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता है,
और तुम्हारी कार पूरी डिस्चार्ज हो जाती है और वेयर हाउस में फिर से वो नहीं जाती है, तो मतलब वो पूरा मिशन ख़त्म। पर मैंने एक दूसरे सेशन को ज्वाइन किया जिसमें कि कम बंदे थे और जो कि अच्छे थे। तो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था कि तुम सेशन को देख करके ज्वाइन करो जिसमें कि कम बंदे हो और जो अच्छे बंदे हो, उस तरह के सेशन में तुम एक्सपोर्ट करो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम्हारे सेशन में ओरिजिनल बंदे हैं तो वो एनपीसीज वाले बंदे तुम्हारे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक ऐसा सेशन ज्वाइन किया जिसमें कि कम बंदे थे और जो अच्छे थे, मैं उस वाले सेशन में कार को एक्सपोर्ट करने चले गया और तुम उस वाले का रिजल्ट देखो। Hate me, fry me, bake me, try me, all the above, cause you can't get in. I don't want no problem, because me professional. Make you shake your kettle, thank you. Haters take it personal. Like a Canada, tight heads, out now, talk, oh, let's go. Knock, knock, chim up, money, let's go. Hot sun, shiki, chim up, also, let's go. Let's go. To heal, level up, pull, level color, let's go. Let's go. Need you, one girl, tonight, need go. New dog, sorry, let's go. Pendu Jogi. तो तुम लोग साफ साफ अंतर देख सकते हो कि सोलो सेशन में मुझे कितना ज़्यादा लॉस हुआ था। लाइक इसका प्राइस था 37,500 पर मुझे 34 ही मिला, क्योंकि एनपीसीज बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किए थे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था एनपीसीज की वजह से, और अलग ही वो कार वाले बंदे जो गोली चला रहे थे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हालांकि पब्लिक सेशन में भी एक एनपीसी था जो कि अचानक से सामने में आ गया था, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बंदा नहीं मारने के लिए आया, ना ही एनपीसीज ने उतना इंटरफेयर किया। तो इसीलिए पब्लिक सेशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर वहाँ के अगर बंदे लोग अच्छे हो, ऑनलाइन प्लेयर्स, तो पब्लिक सेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसी की वजह से मैं बोल रहा था कि सोलो सेशन में क्यों लॉस है। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि पब्लिक सेशन में कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो मैंने तुम्हें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के बारे में सभी चीज़ें बता दी है। अगर कुछ छूट गया हो या फिर तुम्हें कुछ और जानना हो या तुम्हें अगली वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी या फिर तुम्हें किस तरह की वीडियो चाहिए, तो मैं उस तरह की लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। To catch a police, play the maybe kick the bucket. I'm not really the